अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मारिया बी है और ये है मेरे हस्बैंड ताहिर सईद। आपको पता होगा एक दो दिन से कुछ अजीब अजीब न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है अबाउट मी एंड माय हस्बैंड, एंड उसके बाद मेरी वीडियो बहुत ही इमोशनल वायरल हुई। मुझे नहीं पता था कि वो वायरल होगी और सब देखेंगे, लेकिन इसके बाद ये वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई क्योंकि उसमें कुछ मिसकंसेप्शंस थी। सबसे पहले आई वॉन्ट टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, थैंक यू वेरी मच। आई डेंट थिंक कि कोई मेरे दर्द को देखेगा, और इस वक्त गवर्नमेंट की आई वॉन्ट टू थैंक द गवर्नमेंट इज वेल, एवरीबडी यू वॉन्ट्स दिस होल कोरोना का जो इस वक्त हमारे पे नाइटमेयर आया हुआ है उसमें जो हेल्प करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने इतना रीच आउट मुझे किया है। फिर सेकेंडली द आर्मी, बिकॉज देयर इन चार्ज राइट नाउ, अगर आर्मी भी इस वक्त स्टेप इन ना करती तो इस वक्त मुझे जो हमारे पुलिस के साथ इंकाउंटर है उसमें हमें मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। जैसे हम पूरे पाकिस्तानियों का फेथ उठ गया है पुलिस से, तो मेरा भी ये हाल था। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ दैट फर्स्ट, एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करें कि हमारा ये पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे। उसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बता दूं जी कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बार 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 लोगों को ये एहतियात करने के लिए कह रहे हैं और लॉकडाउन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि जी पैनिक मत करें। ये कल वाला इंसिडेंट, द पुलिस इंसिडेंट दैट हैपन्ड, ये प्योर पैनिक है, ये अब्यूज़ है और ये हरासमेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इन लोगों ने कल किस तरीके से मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं। ये लोग गन के बट मार के इन्होंने मेरे डोर तोड़ने की कोशिश की है, और जब मैंने दरवाज़ा खोला है एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि कम से कम 3 गाड़ियां 2 पुलिस स्टेशन से, कोई 20 से 25 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ये मुझे लेने आए थे। मैंने दरवाजा खोला है और सबसे पहले मैं शॉक में चला गया कि इतने पुलिस वाले। मैं बाहर गया हूं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उन्होंने पूछा है कि आप कौन हैं, मैंने कहा जी मैं यहां पे रहता हूं, ये मेरा घर है। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप जरा थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आ जाओ। This is an appeal to the Prime Minister, Imran Khan. Last night, my house was raided by policemen as if I was the biggest drug mafia don in Lahore with guns. They took away my husband and they told him that there's an FIR on you. They did an FIR on him, arrested him without a lawyer. They didn't let a lawyer even come. 12:30 at night, nobody was up. We tried calling, so nobody was up. They did this in the middle of the night. Why? And the way they were rude to us, they wouldn't listen. They kept saying to us, to me, that you are culprits. Why? We're the ones who are suffering. We're the ones whose tests are coming anytime positive. My entire family. And we are the ones who are culprits. And we're the ones who need to be arrested by you guys. Really, is this the system that we have in Punjab?